कोरोना की लहर को देखते हुए धनबाद जिले के धनबाद जंक्शन बस स्टैंड बॉर्डर क्षेत्र में ट्रूनेट के माध्यम से सैंपल की होगी जांच। स्वास्थ्य विभाग की लोगों से की अपील, पैनिक होने की नहीं है जरूरत। चीन में बढ़ रहे कोविड-19 को देखते हुए भारत सरकार ने सभी राज्यों को अलर्ट जारी किया है। इसके बाद राज्य स्वास्थ्य विभाग ने जिले के सभी स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड-19 के लिए तैयारियां शुरू करने को कहा गया है। इसको लेकर के बैठक भी की जाएगी, जिसमें धनबाद स्टेशन बस स्टैंड व धनबाद जिले के बॉर्डर क्षेत्र में सैंपल कलेक्शन बहुत जल्दी शुरू कर दी जाएगी। ट्रूनेट मशीन से कोविड-19 की जांच की जाएगी। इन सभी जांच के बाद अगर कोविड-19 पॉजिटिव मिलता है तो उन्हें कैथ लैब भवन भेजा जाएगा, जबकि कैथ लैब भवन 255 बेड रिजर्व रखा गया है। इसके बावजूद भी अगर कैथ लैब फुल हो जाते हैं तो पीजी ब्लॉक भवन का उपयोग किया जाएगा, जिससे कोविड मरीजों को इलाज किया जाएगा। कोविड-19 को लेकर के पॉजिटिव मरीजों के लिए दवाओं का स्टॉक भी ध्यान रखा जा रहा है तथा जरूरी दवाएं भी मंगाए जा रहे हैं। साथ ही धनबाद के सदर अस्पताल को स्टैंड बाई के रूप में उपयोग किया जाएगा। धनबाद के SNMMCH में RT-PCR जांच की व्यवस्था चल रही है, जिसमें रोजाना 20 से 35 सैंपल की जांच हो रही है। धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट। सर, चाइना के अलावा अन्य देशों में भी कोरोना का संक्रमण में बढ़ोतरी हो रहा है, अभी यहाँ पे अपने राज्य में किस तरह से क्या कुछ अभी व्यवस्था किया है? टोटल इंडिया में 132 केसेस अभी डिटेक्ट हुए। एक मिनट सर जी बताइए। टोटल कोविड-19 के 132 केसेस अभी रिसेंटली डिटेक्ट हुए हैं। इनका जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है अभी ये पता नहीं। समझे, चाइना में है, जापान में है और दूसरे विभिन्न देशों में भी है, लेकिन अभी हमारे यहाँ जो केस जो जितने भी अभी हमारे यहाँ अफकोर्स हम ये मानते हैं कि हमारे यहाँ उतने नंबर ऑफ केसेस का जांच नहीं हुआ। हम लोग जांच बढ़ाएंगे, जांच की संख्या हम लोग बढ़ाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे यहाँ कोरोना, लेकिन अभी कोरोना हमारे यहाँ जितना भी जाँच हो रहा है उसमें 0% है कोरोना के केस अभी हमारे धनबाद में। लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है? पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत है। कोविड अप्रोप्रिएट जो बिहेवियर है उसको मेंटेन रखिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइजर का यूज़ कीजिए और 6 फीट डिस्टेंस का जो निर्धारित है वो कीजिए, हाथ धोइए, हैंड वॉशिंग कीजिए, समझे। धनबाद में कोई कितने केसेस है टोटल? धनबाद में भी एक भी केस डिटेक्टेड नहीं। ऐसा कोई नया वेरिएंट मतलब आ रहा है क्या? नया वेरिएंट की चर्चा हो रही है, लेकिन नया वेरिएंट क्या है, वो कितना विरुलेंट है, कितना वो ज़्यादा खतरनाक है, इसका नहीं कोई पता। जमशेदपुर में सर 3 लोग पाए गए हैं संक्रमित। 3 लोग तो मिलेंगे। नाउ कोरोना इज नॉट पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, एंडेमिक तो हो ही गया हमारे। राज्य सरकार की ओर से क्या थ्रू आउट ईयर मिलेगा आपको? स्वास्थ्य विभाग सर क्या कर रही है? स्वास्थ्य विभाग आप लोगों से निवेदन कर रही है कि आप अपना वैक्सीनेशन कराइए। वैक्सीनेशन का परसेंटेज हमारे यहाँ बहुत गिर गया है, लोग बिल्कुल निश्चिंत हो गए हैं, इसकी ज़रूरत ही नहीं समझ रहे हैं, जो कि हमारे लिए खतरनाक संकेत है। इसलिए मेरा अनुरोध होगा कि लोग जाएं वैक्सीनेशन सेंटर पे। हम जाते हैं अपने वैक्सीनेशन सेंटर पे, लेकिन वहाँ लोग आके अपना वैक्सीनेशन नहीं करा रहे हैं। स्कूलों में मैं जा रहा हूँ, हमारे कर्मी जाते हैं, वहाँ लोग नहीं करा रहे हैं। तो ये जो एकदम कंप्लेसेंसी का जो स्टेज आ गया है कि कुछ नहीं होने जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। आप वैक्सीनेशन कराइए।